तो हम लोग आ गए हैं भानगढ़ फोर्ट, गाड़ी पार्किंग में लग गई है। कॉलर बोन दिख रही है यार, रुको, भूत गया सब, कॉलर बोन दिख रही है मेरी, ये सेक्सी भाई, ये डालना नहीं है लड़कियां मर जाएगी। हम लोग आ गए हैं भानगढ़ फोर्ट, मतलब भानगढ़ का जो किला है भूतिया, द मोस्ट हॉरर प्लेस इन एशिया। ये है भानगढ़ किले के गेट की एंट्री, आइए चलते हैं अंदर एंड देखते हैं क्या क्या होता है। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, जिसकी फीस है 25 रुपये, और यही भानगढ़ किले के अंदर है हनुमान जी का मंदिर। यह है भानगढ़ किले की हिस्टोरी जो आप पढ़ सकते हैं। यह है भानगढ़ किला पूरा, यह है भानगढ़ किले का मैप, आराम से इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ये हैं गाइड जो हमको किले के बारे में सब कुछ बताएंगे। भैया आपका नाम क्या है? क्या भैया? कैलाश नाम है भैया का, जो हमको सारी चीज़ें बताएंगे यहाँ के बारे में। दूसरा फुलवारी, तीसरा हनुमान, चौथा अजमेरी, पाँचा लावर। चलिए भैया, इस फोर्ट के टोटल 4 एंट्रेंस थे, जो 5 हैं टोटल, टोटल 5 एंट्रेंस जो भैया ने अभी बताए। इनमें से अभी वर्किंग कौन कौन सी है? ये अभी तो ये चल रहे हैं, बाकी सारी बंद है। सारी जैसा कि अभी बात हो रही है सर की और कैलाश भैया की, इसमें सारी एंट्रेंस बंद हो गई हैं, केवल एक यही वाली चालू है जिससे हम लोग चल रहे हैं, बाकी सारी बंद की जा चुकी हैं। पत्नी उन्हीं को देख के मोहित हो गया वो तांत्र, तो उसने सोचा ये तो राजा की पत्नी है, वैसे तो बनेगी नहीं, कुछ उनको तंत्र विद्या करेंगे जब ये अपनी बनेगी। तो उसने क्या करा, वहाँ से रानी को देख के मार्केट में आके बैठ गया। मार्केट में आके बैठा तो वहाँ से कुछ दासी उसके लिए इतर उत्तर परफ्यूम वर्फ्यूम लेने आई थी, तो यहाँ पे उगाड़ बैठा हुआ था। वो उस दासी के पास से लेके उसमें कुछ ऐसा मत्तर किया कि इसको रानी लगाएगी और ऑटोमेटिक विसीकरण होके अपने पास आ जाएगी। जब वो दासी उस इत्र को लेके गई ना, तो रानी भी कुछ जानती थी, तो वो इत्र कुछ घूम रहा था, तो उसी के कुछ डाउट हो गया, तो उसने दासी को बोला इसने किसने देखा है, घूम कैसे रहा है। उसने बोला अपना उसमें ने देखा। रानी ने बोला सिला के ऊपर डाल के देख, उस सिला के ऊपर डाला तो सिलाई उतर उस तांत्रिक के ऊपर चली गई, उसी के ऊपर जाके वो सिला गिरी, तो वो मरता हुआ श्राप दिया माता 3 घंटे में ये खाली हो जाना चाहिए। तो ये 3 घंटे में पूरा यहाँ से आमेर, आमेर से फिर जयपुर बसा, ये पुराना पुराना जयपुर था, जयपुर की बसावटी यहीं से। उसके बाद में उसने यहाँ से खाली कर दिया, उसके बाद में ऐसा ही आर्कोलॉजी वालों ने यहाँ कब्जा उब्जा किया, तो मिट्टी उट्टी से भरा हुआ मिला, तो यहाँ जाँच उच की तो पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जी मिली, तो इसको हॉन्टेड घोषित किया। उसके बाद में यहाँ टूरिस्ट आने लगे, उसके बाद इसमें करण अर्जुन मूवी बनी अंदर, जो राखी के पैर छूते हैं ना गाना, तो बंधन के पैर वो जो आगे मंदिर वाली सीन है। उसी के बाद में एक तरफा सीरियल बना झांसी की रानी का, उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट्री बनी ट्रिप टू भानगढ़, उसके बाद में एक राम रहीम ने बनाया बाबा जी ने, MSG आदिवासी। उसी के बाद में ये पार्किंग का ट्रेंड है, उसी बाद में टिकट विंडो वगैरह बना। अभी इसमें क्या है, दिन के अंदर तो वॉन्टेड जैसा लगता नहीं है, अब रात के टाइम पे तो एक्चुअली ये जगह वॉन्टेड लाइक, क्योंकि 5-6 किलोमीटर तक लाइट तो है नहीं। तो ये क्या है, नेशनल सर्स का सेंचुरी रिजर्व आता है, इसमें टाइगर सफारी लेते हैं ना, उसी का पार्ट है। तो यहाँ जानवर वगैरह ये हैं, तेंदुए वगैरह, लेपर्ड, चमगादड़, बंदर, पिको वगैरह हैं, तो उनकी भी आवाज़ें वाजें बनी हुई है, तो इसलिए रात के टाइम पे बंद कर देते हैं, किसी भी कोई भी नहीं। वो तो है, मतलब मेरा ये था कि जैसे यहाँ पे कई मैंने उसमें पढ़ा, तो जैसे क्या है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे जानवरों का ही है, कि यहाँ पे ऐसा कुछ भूत भूत का ऐसा कुछ सीन नहीं है। अब वो क्या है साहब, जानवर ही हैं वैसे तो, कोई भूत वूत तो है नहीं, बट बाकी जैसे ये चीज़ ये जिसमें वो चलती है उसके हिसाब से नाम से तो चलती है। अब जैसे लेकिन लोगों का जितना है कि जैसे लोगों जैसे होता है ना, कहीं पे मना लिखा है तो वहाँ पे आदमी ज़्यादा देखो, यहाँ पे लेकिन रात में जितना भी आदमी गया आज तक कभी वापस नहीं आया। अब रात को तो साहब यहाँ जानवर उनवर भी तो खा जाते हैं लोगों, लगभग इसलिए भी नहीं होते हैं, जानवर खाते होंगे तो कहीं ना कहीं तो उनके अवशेष मिलते हैं, मिलते हैं। हाँ, उससे पता तो चलता होगा कि जानवर ने खाया कि कुछ और, मतलब पता चल जाता है जानवर ने खाया, जानवर का ही लगता है। ये मार्केट का, ये जौहरी मार्केट का, ये जौहरी बाजार का, ये दुकानें थी। तो जैसा आपने सुना, ये पूरी मार्केट है जौहरी मार्केट, एंड वो जो सामने दिख रहा है
वो है मेन किला। ये इस किला की पहरेदारी करने के लिए एक गार्ड वहाँ बैठता था, यहाँ ऊपर बिल्कुल वो टॉप पे। वो गार्ड एक्चुअली जो बताया अभी हमारे टूर गाइड ने, वो गार्ड एक्चुअली वो जानता था तांत्रिक विद्या। तो जो राजा की रानी थी यहाँ के, वो उसको बहुत, वो राजा की रानी एकदम सुंदर थी, तो उसको वो कह रहा था कि राजा की रानी ये मेरे पास होनी चाहिए थी। तो उसने यहाँ पे राजा की रानी के लिए इत्र वगैरह कुछ उनकी दासी लेने आई थी, तो तांत्रिक ने उसमें कुछ मिला दिया था। बट राजा की रानी भी कुछ जानती थी, तो उनको उस पर शक हो गया था। तो उन्होंने दासी से पूछा ये किसके, ये किसने दिया, इसमें किसने देखा है, क्योंकि ये घूम रहा है। तो दासी ने बताया कि अपने गार्ड ने देखा है, मतलब अपने सिर्फ पहरेदार ने देखा है। जो पहरे, जब रानी ने ऐसा कहा कि पहरेदार ने देखा है, तो उन्होंने कहा इसको इस सिला पे फेंको। जैसे ही वो इत्र को सिला पे फेंका, वो सीधे उस पहरेदार के पास जाके गिरा। जब पहरेदार के ऊपर वो जाके गिरा सिला, तो पहरेदार ने मरते हुए श्राप दिया कि इसको 3 घंटे में खाली कर दो, ना ये पूरा खंडर हो जाएगा। तो ये कहानी है यहाँ की। बाकी गार्ड तो बोल, यहाँ के जो टूर गाइड हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा भूत वाला तो अभी ऐसा कोई सीन है नहीं, यहाँ पे जानवर आते हैं, मतलब शेर चीता बाघ ये सब आते हैं। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है पूरा। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि शेर चीता जानवर आते हैं। और ये पूरा 6-7 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे लाइटिंग का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। मेन ये है नचनी महल। तो ये है नचनी महल, ये जो राजा के लिए नाचने वाली लड़कियां थी वो यहाँ रहती थी सारी। तो क्या तो नहीं, बात तो सही है, जैसे कुछ कहानियां सुनने को मिली है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा आवाज आती है जानवरों की, ऐसा कुछ भूत प्रेत नहीं। तो रुकने क्यों नहीं देते रात में? अब रुकने तो हर फोर्ट ही बंद होते हैं, सभी फोर्ट बंद होते हैं। मोनूमेंट कौन से मोनूमेंट होते हैं मेरे को बताओ, कौन से मोनूमेंट चल रहे हैं? नहीं जैसे मतलब कई जगह लिखा है, अभी गूगल पे आप डाल के देखोगे तो इंडिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। हमारे गार्ड भैया बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए लगाएंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं करता है। रात के टाइम का कोई भी रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई जिन का मंदिर है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती है। यह है भानगढ़ किला, मेन किला ये है। इसकी बाउंड्री पूरे 7 किलोमीटर फैली हुई है। इसके पहरेदार ऊपर वो बैठे थे जो तांत्रिक थे, जिनकी वजह से ये किला हॉन्टेड हुआ है। ये मंदिर है, ये किला है। किला की 3 मंजिल इमारतें ढह चुकी हैं, मतलब गिर चुकी हैं। भैया बता रहे हैं ये शिव मंदिर है, शिवलिंग का, भगवान शिव जी का मंदिर है ये। अभी हम लोग चल रहे हैं किले के अंदर, देखते हैं किले के अंदर क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं। देखिए ये है किले का स्टोर रूम, यहाँ पे सारे हथियार रखे जाते थे। ये है किले का मेन एंट्रेंस। अभी जो हम लोग चढ़ के आए, किले के गेट चढ़ के आए, ये किले का मेन गेट है। और किले के मेन गेट से व्यू देखिए, तांत्रिक वहाँ रहता था, वो ऊपर वहाँ पे जो पहरेदारी करता था। ये किले के एंट्रेंस के बाद का अंदर का है मेन किला। ये है मेन किला जो 7 मंजिल का हुआ करता था, अब 3 मंजिल का बचा है अभी तक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किले के अंदर। आ रहा हूँ किले के अंदर। यह है रास्ता, कुछ इस तरह का बचा हुआ है अभी। यह है किले का मेन गेट एंट्रेंस, देन यह है मेन किला। अरे मैंने किले के अंदर भूत पाया, किले का भूत। ये हैं सारे दरवाजे जहाँ राजा रानी रासलियाँ मनाया करते थे, जिसको देख के वो तांत्रिक ऊपर का पहरेदार जला करती थी।
राजा रानी की राजलियां देख के वो तांत्रिक का माहौल बन जाता था, तभी उसने उस किले को नष्ट करवा दिया श्राप देके। देखिए राजा और रानी इस किले के नीचे यहाँ पे रहते थे, किले पे तीसरी मंजिल है। हाँ। यहाँ पे वो अपना राज नियमन मचाते थे। वो बेचारा पहरेदार वहाँ से बैठ के रोज एक्स वीडियोस देखता था। हाँ। और उसका माहौल बनता था। एक दिन ठरकी से गुम्मा मारा, पूरा किला ढह गया। हाँ, उसने वहीं से शराब दिया पूरे किले की मार। और कोई रीजन नहीं था, उसको BF में थोड़े चेंजेस चाहिए थे एक्स वीडियोस में, ये लोग कर नहीं रहते रेज रोज सेम एक ही तरह से मांग रहा था। ये डॉगी पे लटके थे। कोई भूत भूत है यहाँ पे फिलहाल तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही कि बस पसीना आ रहा है, सिर्फ पसीना पूरा ऊपर से नीचे ये भीग चुके हैं, ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। वही बताया ना कि यहाँ पे राजा रानी को देख के वो जलता था साला। तांत्रिक भाई साहब का घर वहाँ पे है, वो जलते थे वही ऊपर पीछे। लेकिन यहाँ पे आते आते वहाँ तक जाते जाते तो हालत खराब, यहाँ तक आते थे खराब हो गई। तो वहाँ पे चमगादड़ है, इतनी स्मेल है, स्मेल है सब कुछ। कोई हॉन्टेड वाला सीन फील नहीं आया। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप सीधे गाड़ी में। तो अब किले से निकल रहे हैं वापस हम लोग। खैर ऐसा कुछ हॉन्टेड जैसा हम लोग को लगा नहीं किले में, ऐसा कुछ हॉन्टेड वाला है। लेकिन यहाँ का व्यू एक नंबर है, बहुत व्यू एक नंबर है यहाँ का। अगर आप यहाँ पे कुछ हॉन्टेड जैसा फाइंड करने आ रहे हैं तो आई थिंक सो आपको नहीं आना चाहिए। बट अगर आप व्यू देखने आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मोस्ट वेलकम है सर। खैर हम लोग को हॉन्टेड की जगह ये मिले हैं। देखिए आप, हॉन्टेड के नाम पे हमको लंगूर मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः लंगूर हॉन्टेड के नाम पे। तो अब हम लोग जा रहे हैं भानगढ़ से बाहर। हो गया भानगढ़ के दर्शन, ऐसा कह सकते हैं कुछ है नेगेटिव, बट क्या है सच ये तो अभी तक नहीं जान सकते। बताएंगे अभी गाड़ी में बैठ के बताएंगे। इतने सीधे गाड़ी में बहुत ज़्यादा थक गए हैं, गाड़ी की AC चला के बैठेंगे तब आपसे करेंगे बात। तो आ गए हम लोग गाड़ी में वापस। कुछ मत बोलो, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम हमारा बूसट गीला हो गया है। अभी सब लोग पूरा भीग चुके हैं, अब जा रहे हैं होटल लेने। होटल लेते हैं देन बात करते हैं। यही होटल ले लें भानगढ़, नियर बाय ना, नियर बाय ले ले जाते हैं। चलो ठीक, राज रिजॉर्ट भानगढ़ अंदर पहले, अंदर स्विमिंग पूल। ये होटल ले लिया है हम लोगों ने, गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है। आइए गाड़ी दिखाते हैं आपको। इस होटल में प्रॉपर गाड़ी की पार्किंग है, गाड़ी वो सामने पार्क की है। आइए आपको रूम में ले चलते हैं सीधे। तो ये कुछ अपना रूम है, टीवी है, AC है, ये रत्नावती हैं, ये देखिए ये लेटी हुई हैं यहाँ पे, इधर भी एक लेटी हुई हैं। इन्हीं से हमको शाम को मिलना है आज, बस इसीलिए रूम लिया है। पास से देखिए। हेलो गाइस। हेलो। ये है हमारा स्विमिंग पूल। हमने जो होटल लिया है इसमें हमको पूल फैसिलिटी मिली हुई है। तो अब जब पूल फैसिलिटी है तो फिर हम लोग पीछे तो ना हटने वाले हैं, आ गए हैं पूल में। ये हैं शुभम भाई, ये हैं हमारे साहिल भाई। कैसा लग रहा है साहिल सर आपको? ये कैसा लग रहा है शुभम भाई? शुभम भाई इधर इधर इधर, कैसा लग रहा है? किसी का लेना ना पड़ा, देख के लेना। तो गाइस आ गए हैं पूल में हम भी। अब पूल में थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं। एक्चुअली रूम में आते ही सो गए थे, इतना ज्यादा थक गए थे कि रूम में आके सब लोग सो गए थे। उसके बाद हम लोग आ गए हैं पूल में, अब नहाते हैं पूल में। पूल में नहाने के बाद अभी नहा लें, थोड़ा देर मस्ती वस्ती करने के बाद जाएंगे हम लोग वापस भानगढ़ किले पे, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं सीन। अच्छा वो फोन मैंने यहाँ रखा, यहाँ तक पानी पे। ये देखिए ये पानी के अंदर है, और इधर देखिए इंग्लिश एक नंबर। हम तो गर्दन डूब चुकी है मेरी, बस ये है देखिए इतना पानी है, एक नंबर। ओके बस थोड़ा एंजॉय कर लें, उसके बाद फिर दिखाते हैं आगे। तो गाइस
हम लोग इतनी देर से स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं। साहिल भाई कैसा लग रहा है? इंग्लिश शुभम भाई, फिलहाल हम लोग मस्ती नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली रूम मिला हम लोग को, ये भानगढ़ का किला है, इसका गेट है। तो जिस पर्पज से आए थे दोपहर में, ये हुआ था कि कुछ ना हमें महसूस हुआ और सारी दकियान उसी बातें हैं, ना भूत ना परेत ना कोई आंटी ना अंकल, चाची मिली, पानी पिलाया शुद्ध एकदम, 10 रुपये भी दिए थे। तो हम लोग इसीलिए रुके हुए हैं और हमको बाई लक नियर बाई मात्र 15 कदम पे होटल मिल गया। होटल राज रिजॉर्ट करके है, बहुत प्यारा होटल है, स्विमिंग पूल है, देखिए मस्ती कर रहे हैं आराम से। वेट कर रहे हैं कि गार्ड जो हैं वो सारे पब्लिक को निकाल दें, उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। कटियार साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। मुंह में क्या है? तू कटियार आपको जब देखो तो बकचोदी क्यों आती है? चोरी हो गया है, 35 रुपये नुकसान हो गया, हमको बड़ा दुख है। बड़ा दुख है, तो आपके दुख का कैसे पूर्ति की जाए? दारू पिला के। एंड साहिल सर आप एंजॉय। एक अच्छी चीज मिली यहाँ पे, टॉयलेट वेस्टर्न है और बाद में गाड़ धोने के लिए डब्बा से पानी लेना पड़ता है। बहुत इंग्लिश। क्या लगता है कुछ होगा यहाँ पे? देखने तो वही आए हैं लेकिन ये बात है ना भाई कि अंदर तो जा नहीं सकते हैं, गार्ड ने लॉक कर दिया गेट, मेन गेट लॉक्ड हो गया, अंदर नहीं जा सकते। लड़ाई करके गए, बट मेरे को लगता है यहाँ पे भूत का सीन तो है थोड़ा बहुत, बट जानवरों का ज्यादा प्रकोप है। दोपहर में भी गए थे तो बंदर वगैरह काफी दिखे, अब जंगल है, मोर है और चमगादड़ तो इतने हैं, तो भाई चमगादड़ की आवाज भी भयानक ही होती है।